सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीवो वी 11 प्रो के बारे में। तो अगर आप वीवो का वी 11 प्रो लेना चाहते हैं तो आपको ये बात जानना होगा कि इसमें आपको क्या कमी देखने को मिलती है और क्या वो अच्छे फीचर्स हैं जिनके कारण आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए। हालांकि फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी से कुछ ऐसे कारण है शायद आपके लिए वो डील ब्रेकर भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वो टॉप 5 रीजन्स जिनके कारण आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा 6.41 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो इस फोन में आपको कमाल का डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि 26,000 के बजट में इससे अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस को छोड़कर, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड की रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है। कमाल का कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो कलर यहाँ पर आपको कमाल की देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले इस फोन का मेन फैक्टर भी होता है। सेकेंड नंबर में बात करते हैं तो इसमें यूज़ किया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट। अगर आप एक हैवी गेमर है, हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं अपने फ़ोन के साथ, तो ये फ़ोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। AI प्रोसेसर है तो फ़ोन काफ़ी फास्ट यहाँ पर रन करने वाला है, तो उसके लिए भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। थर्ड जो चीज़ है वो है इसमें आपको डेडिकेट माइक्रो SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया जाएगा। इसका मतलब आप 2 नैनो सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, मतलब माइक्रो SD कार्ड एक साथ लगा सकते हैं एक ही टाइम में। ये ट्रिपल स्लॉट स्मार्टफोन में, तो ये एक अच्छी बात है। आजकल क्या हुआ है कि यार सभी कंपनी हाइब्रिड सिम स्लॉट देना स्टार्ट कर दिया है। आप एक सिम लगा सकते हैं या फिर एक माइक्रो SD कार्ड। ये मुझे ठीक नहीं लगती। एटलीस्ट जो वीवो क्या है वो ठीक क्या है कि आपको ट्रिपल स्लॉट यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करें तो आपको कमाल की कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक सेल्फी लवर हैं, अगर आप फोटोग्राफी काफ़ी घिंच मतलब फोटो काफ़ी क्लिक करते हैं, तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपको निराश नहीं करने वाला है। बैक में आपको मिल जाएगा 12+5 MP का डुअल रियर कैमरा, 12 में आपको मिल जाएगा F1.8 अपर्चर। तो कैमरा क्वालिटी हमारे को कमाल की मिल जाएगा। और फ्रंट में तो आपको ऑब्वियस सी बात है 25 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। आपका जो पूरा फेस है वो मेकअप वेकअप लगा के दे देगा, फोटो कमाल की मिल जाएगी। हमारे आपको सेल्फी में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आप एकदम नेचुरल फोटो एक्सपेक्ट करते हैं तो शायद आपको निराश हो जाए, क्योंकि यार ये पूरा मेकअप लगा के एकदम आपके स्किन को चमका देगा, पूरा गोरा बना देगा, उसके बाद ये फोन मतलब फोटो आपको देगा, तो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। लेकिन जो मतलब सोचते हैं कि हमारा फोटो काफ़ी अच्छा आ जाए, तो उनके लिए फ़ोन ठीक हो सकता है। इस फोन में अगर हम लोग पाँचवें नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल गया 3400 mAh की बैटरी। कमाल की बैटरी है, एक दिन आपको आराम से गुजर जाएगी जो आप नॉर्मल यूज करते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। और साथ में आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, तो आपका बैटरी काफ़ी क्विक भी चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको चार्ज के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ 5 रीजन्स हैं जिनके कारण आपको ये स्मार्टफोन डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अब कुछ ऐसे रीजन के बारे में बात करते हैं जिनके कारण आपको ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले इस फोन का हाईलाइट फीचर्स और इस फोन का एक प्रॉब्लम वही है जो कि इस फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। आप बोलेंगे कि यार इसमें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है, फिर भी इसमें आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो ये उतना एक्यूरेट नहीं है। 10 में से 7 बार ये आपको फ़ोन को अनलॉक कर देगा, लेकिन 3 बार ऐसा आएगा कि आपका ये फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। तो ये भी बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको थोड़ा मतलब टाइम लगेगा फास्ट होने में। तो अगर आपका ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इसमें आपको फेस लॉक की सुविधा देखने को मिल रही है, तो आपको शायद उतना दिक्कत देखने को ना मिले। बात करते हैं कि 4K रिकॉर्डिंग आपको इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिल रही है, तो ये एक मतलब ठीक बात नहीं है कि यार 26,000 के फ़ोन में आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और साथ में यार अब इस फ़ोन में आपको ना तो OIS मिल रहा है और ना तो EIS। अब बोलिएगा कि ये OIS और EIS क्या है, तो OIS होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि मतलब अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं चल के तो आपका पूरा जो वीडियो स्मूथली होगा। और जो EIS होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। OIS जो होता है वो हालांकि जो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है उसमें आपको देखने को मिलता है, लेकिन EIS एटलीस्ट हमें देना चाहिए था, तो वो भी हमारे आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक स्टेबल वीडियो ट्राइपॉड में लगा के करते हैं तो आपको इतना कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कारण है जिनके कारण आपको फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। तीसरा कारण है इसमें आपको माइक्रो SD पोर्ट देखने को मिलता है, तो अभी तक इसमें आपको USB Type-C पोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत के लिए डील ब्रेकर भी हो सकता है, लेकिन किसी के लिए नहीं भी होगा।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इस फोन से क्या काम निकालना है, आपके पर्पस से, किस पर्पस से आप इस स्मार्टफोन को बाय कर रहे हैं, वो भी एक बार आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोग बात करें तो पाँचवें नंबर में इस फ़ोन का प्राइजिंग, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एटलीस्ट इस फ़ोन का प्राइस 23,000 रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन 26,000 पे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, उतनी भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ज़्यादा, क्यों अगर फ्यूचर में कट कर देता है तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बस ये कुछ कारण है जिनके कारण आपको ये फ़ोन लेना भी चाहिए और जिनके कारण आपको ये फ़ोन नहीं भी लेना चाहिए। अब आप देखिए कि आपको क्या निकालना है, मतलब किस काम के लिए आप इस फ़ोन को बाय करेंगे। अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के यूजेस के लिए लेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर आप हैवी गेमिंग खेलते हो, सब कुछ ये फ़ोन मैं बता दिया कि किसके लिए आपको इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए। और फ़ोन ऐसे भी काफ़ी धमाका है, लेकिन इस फ़ोन में ना अभी आपको अगर लेंगे तो बैक साइड में आप कवर लगा लीजिएगा और फ्रंट साइड में आप कोई टेम्पर ग्लास लगा लीजिएगा, क्योंकि फ़ोन में कोई भी कॉर्निंग गोरिल्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पर कंपनी ने मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन किया भी है तो उसमें आपको स्क्रैचेस देखने को मिल जाएगी बैक साइड में और फ्रंट साइड में, और बैक साइड में प्लास्टिक यूज़ किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक कवर लगा लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यार प्लीज़ ज़्यादा 6 मिनट का वीडियो हो गया है तो ज़्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं बनाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।